हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 26 अगस्त 2020 हम स्टार्टिंग योर ईवीएस क्लास। और बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है, पीपल विद स्पेशल नीड्स, हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो मैंने कल ए बी सी 3 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई थी, आज मैं करवा रही हूँ आपको डी एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग्स, आपको नीचे ये कुछ कॉलम ए और बी दिया हुआ है, इसमें आपको ए कॉलम में से मिलती हुई चीज़ों को बी कॉलम से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट लुइस ब्रेली। फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर को क्या होता है? ओल्ड एज डे होता है। 15th अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड केयर डे होता है। आइज का क्या काम होता है? ऑर्गन्स ऑफ साइट, देखने का। ईयर्स का ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो कॉलम ए को बी से मैच कर लेना। इसके बाद में आइए ई एक्सरसाइज पे। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज ब्रेली स्क्रिप्ट? बेटा, मैंने आपकी बुक में निशान लगा दिया है, आपको वो आंसर ऐसे राइट कर लेना। पहले ये क्वेश्चन राइट करना, व्हाट इज ब्रेली स्क्रिप्ट, मतलब है कि ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होती है। तो आप क्या आंसर राइट करोगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर 10 पे देखना, साइट प्रॉब्लम्स में ये लिखना है आपको यहाँ से। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। जो लोग देख नहीं पाते हैं उन्हें ब्लाइंड कहते हैं। दे यूज द स्क्रिप्ट ऑन विच दे मूव देयर फिंगर टू फील डिफरेंट पैटर्न ऑफ रेज्ड डॉट्स टू रीड। तो इनको, ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, इनके पढ़ने के लिए एक इस तरह की स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि जिसमें उंगलियों को घुमा करके एक स्पेशल मैनर के अंदर कुछ ये डॉट्स बने हुए होते हैं। तो इन पे जो होता है लेटर्स जो होते हैं वो डॉट्स पर, मतलब इनकी अलग स्क्रिप्ट होती है, उस पर उनको समझा जाता है। तो दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेली, इसी स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो देख नहीं पाते हैं वो सुन तो पाते हैं ना, तो जैसे स्क्रिप्ट के जरिए उनको बताया जाता है कि जब आप उंगली घुमाओगे तो ये जो इस टाइप का जो ये डॉट है या जो लेटर है, ये इसका नाम ये है, तो वो उस स्क्रिप्ट के जरिए पढ़ पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप लिख लेंगे फर्स्ट का आंसर, सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड, दे यूज द स्क्रिप्ट ऑन विच दे मूव देयर फिंगर टू फील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट टू रीड, दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेली, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ये रहा सेकेंड का आंसर, ब्रश अप में देखना। People who cannot see, hear or speak are called physically challenged people. ठीक है, People who cannot see, जो लोग देख नहीं सकते, hear सुन नहीं सकते और speak बोल नहीं सकते, are called physically challenged people. इन्हें physically challenged people कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do some people wear spectacles? स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बताया थे, नज़र के जो चश्मे होते हैं, क्यों पहनते हैं लोग? तो इसका आंसर ये देखिए, यहीं पे जो साइड प्रॉब्लम आपने 1 नंबर आंसर किया है, इसी से जस्ट ऊपर ये 3 नंबर का आंसर है। व्हेन वी ग्रो ओल्ड, जब हम बूढ़े होते हैं, आवर आई साइट बिकम्स वीक, तो हमारी आई साइट कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। सो वी टेक हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसलिए हमें स्पेक्टिकल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। ये आंसर थर्ड का हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, How can we help old people? बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? तो ये देखिए फोर्थ का आंसर। आपको ये सारे पॉइंट अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, नंबर 1 डाल के ऐसे लिखते जाना। फोर्थ आंसर नंबर 4, नंबर 1, हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेयर, सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद करें। 2 नंबर, ऑफर देम योर सीट इन अ बस, बस में उन्हें अपनी सीट ऑफर करो। 3 नंबर, फिल द ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम, उनके लिए पानी का ग्लास भर दो। 4 नंबर, बी पेशेंट विद देम, उनके साथ नरमी से पेश आओ। 5 नंबर, गिव देम अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, उनके जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट दो। 6 नंबर,
डू नॉट मेक नॉइज वैन दे आर रेस्टिंग, जब वो आराम कर रहे हों।